दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजानंद, और आज आपके लिए राजस्थान पुलिस 2020 जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा है उसकी डेट रिलाइज हो चुकी है, और किस जिले से कितने फॉर्म भरे गए हैं इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपका जो अगर आपने अभी तक फॉर्म जो भर दिया है और आपने जो कि उसके कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये जानकारी आप लोगों को हम इस वीडियो के अंदर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि हम फेसबुक पेज पे आपको कंटिन्यू हम अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या अपडेट आ चुका है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और देखिए इसमें देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले बूंदी जिले से फॉर्म भरे हैं 20,000, ये फॉर्म है, और जयपुर ग्रामीण से भरे हैं 39,200, दौसा से 26,490, सीकर से 21,120, झुंझुनू से 21,000, अलवर से 29,000, भरतपुर से 32,000, सवाईमाधोपुर से 36,000, करौली से 28,000, धौलपुर से 27,000, और अजमेर से निवासी और नागौर से 33,000, और 51,000, भीलवाड़ा से, टोंक से, उदयपुर से, एनटीपीएस से 48,000, चित्तौड़ से, ये पूरे जिलों की पूरी डिटेल दी गई है। और उसके बाद मैं बता दूं कि आप लोगों को कितने कैंडिडेट पे कितने स्टूडेंट हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए इतनी बेरोजगारी छाई हुई है कि कांस्टेबल पद के एक पद के लिए 308 अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम के लिए फाइट करना होगा। 5,438 पदों के लिए 16,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इसको भरने के लिए 16,00,000 अभ्यर्थियों ने ये किया है, और तो फरवरी का समय दिया गया था। और अब एक और न्यूज हमारे पास आई है कि परीक्षा है, इसको गौर कीजिए, परीक्षा मई या जून में आयोजित हो सकती है। जो परीक्षा है, जो कि एग्ज़ाम है इसका, ये कब हो सकता है, मई या जून में एग्ज़ाम हो सकता है, ये इसकी फाइनल जो डेट घोषित कर दी गई है, ये वाली डेट जिसमें आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय जय भारत।